मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी में अधिकतर बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सिलेबस क्या है। यहाँ लगभग हम 50 साल से देख रहे हैं, लगभग हो गए होंगे 40-50 साल कि यहीं से ही स्टूडेंट तैयारी करता है। उसमें कोचिंग सेंटर्स के बारे में भी बात रखी गई है, कोचिंग सेंटर्स कैसे ऑपरेट करें उसको लेकर के डूज एंड डू नॉट्स के काफ़ी अच्छे से व्याख्या की गई है। लेकिन विजन आईएएस जो कॉम्प्लाइंसेस को फॉलो कर रहा है वो लगातार मुखर्जी नगर में अपनी सेवाएं पहले भी देता रहा है और आगे भी लगातार देता रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी होने के कारण आसपास जो स्टूडेंट के रहने का जो इकोसिस्टम बना है, मतलब आपको चाहे वो ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, सब लोग सर्वाइव कर जाते हैं। हेलो एवरीवन, जब भी हम देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं तो उसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का नाम सबसे पहले आता है। यह इसलिए भी है क्योंकि यह एक परीक्षा अपने आप में यूनिक है अपने सिलेबस पैटर्न और कंपटीशन के कारण। साथ में इस परीक्षा को देने के लिए इतना कंपटीशन है और देश का बेस्ट टैलेंट इसमें शामिल होता है। पर यह परीक्षा इतनी आसान नहीं है, इसमें कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। सबसे पहले तो यही, इसकी तैयारी कैसे करें, इसके सिलेबस को समझना और पेपर का एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें। साथ में दूसरी चुनौती ये भी है कि इसकी तैयारी कहाँ से करें। जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर दो प्रमुख केंद्र है, बट वहाँ भी अनेक चुनौतियाँ हैं जो कि हम आजकल खबरों में भी सुन रहे हैं। इस परीक्षा की तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए ही आज हम यह सेशन आयोजित कर रहे हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजन आईएएस के दो फैकल्टी मौजूद हैं, मृत्युंजय सर और इंद्रजीत सर। सर, आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसे अभी हमने बात की, मैं ये बोल रहा था कि ये परीक्षा अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों का अनुभव जानना चाहूँगा कि कोई स्टूडेंट जो इसको स्टार्ट करना चाहता है या पहले से तैयारी कर रहा है तो क्या एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। गौरव, अगर हम इस परीक्षा की तैयारी की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा एक होना चाहिए डायरेक्शन, वो है सिलेबस। तो सिलेबस की एक बेहतर समझ होनी चाहिए। दूसरा, पिछले कुछ सालों में, 5 से 10 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में, चाहे वो प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा हो, तो PYQ अगर आपके पास हो तो आपका दिशा ठीक रहेगा। सिलेबस और PYQ हो गए। इसके बाद टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका आती है ना, जो आपको लगातार बदलते परिवेश में आपको उसके लिए तैयार करें। इसके साथ ही मेंटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जैसे विजन आई है समय समय पे टॉपर्स टॉक कराता रहता है, तो टॉपर्स को सुनना, उनकी रणनीतियों को समझना, ये भी इस परीक्षा में बेहतर करने का एक अच्छा और एक बेहतर तरीका हो सकता है। ओके, मतलब टीचर, मेंटर, टॉपर, सिलेबस। सर, हम आपसे टीचर की भूमिका, मेंटर और टॉपर्स की भूमिका के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे। देखो गौरव, जो टीचर की भूमिका है तो ऑब्वियसली सबको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें टीचर जो है, जो टफ कॉन्सेप्ट है उसको आराम से आपको नेविगेट कराते हैं, समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर ने जैसा कहा कि PYQ और सिलेबस का बहुत बड़ा भूमिका है। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी में अधिकतर बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि सिलेबस क्या है। उसमें टीचर्स क्लास में समझाते हैं कि इसका ये सिलेबस है, और PYQ रेगुलर कराते हैं। अब आता है कि मेंटर्स की भूमिका। तो जो टीचर तो क्लास में पढ़ा के चले गए, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकेडमिक और नॉन एकेडमिक निरंतर प्रॉब्लम आता रहता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो वो मेंटर वहाँ पे उसको हेल्प करता है हर एक कदम पे। और टॉपर्स, ऑब्वियसली मुखर्जी नगर हब है तो टॉपर्स आते हैं, समय समय पे टॉपर्स टॉक देते हैं। वहाँ जो टॉपर्स से पर्सनली मिलने का जो मोटिवेशन है, और साथ में उनसे काफ़ी सलाह लेने का जो मोटिवेशन होता है, वो बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट को। जी सर, मतलब कि एक तो ये है कि सपोर्ट की तो ज़रूरत ही है ही, साथ में जो एक प्रेजेंस होना चाहिए स्टूडेंट का ऐसी जगहों पे, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सर, मेरा एक इससे दूसरा क्वेश्चन है जुड़ा हुआ। जो ऐसे आपने बोला मुखर्जी नगर हब भी है, तो जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर का नाम ज़रूर आता है। उस हब में जाकर तैयारी करने के क्या बेनिफिट हैं? गौरव, इन जनरल जो हब है तो वहाँ एक इकोसिस्टम बना होता है पहले से। यूपीएससी का तैयारी में चूँकि काफ़ी कुछ स्टूडेंट को डायरेक्शन चाहिए, जो इन जनरल दूर रह के दिक्कत होता है उसका। आप एक बुक शॉप पे भी जाएंगे मुखर्जी नगर में तो शॉपकीपर आपको सब रेफरेंस बुक बता देगा, कौन सा पढ़ना है, किस कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, शॉपकीपर तुरंत बता देता है।
तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम बना हुआ है, यहीं पे टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, आपको मेंटर्स यहीं पे हैं जो कोचिंग के ऑफिस में बैठते हैं, जिनसे आप आराम से जाके डेली मिल सकते हैं। और उसके अलावा जो दिल्ली मुखर्जी नगर खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राउड यहाँ रहता है। और आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो ओबियसली जो स्टूडेंट्स भी हैं अच्छे हैं। तो यहाँ पे पीयर ग्रुप लर्निंग, इसको अधिकतर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग पहले से ही पढ़ते हैं जैसे कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। यहाँ संगत का मतलब है पीयर ग्रुप। तो आपको एक तो मेंटर से पीयर ग्रुप मिलता है, फैकल्टी से पीयर ग्रुप मिलता है, और जो यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टॉपर्स तो दोबारा जो तैयारी करते हैं अपना रैंक सुधारने के लिए यहीं पढ़ते हैं। तो उनसे जो आपका पीयर ग्रुप बनता है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जितने में भी मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि पीयर ग्रुप या अच्छा संगत के कारण उनका सिलेक्शन हुआ है। सर, जैसे आपका तो इसमें बहुत बड़ा अनुभव है, हम लोगों से व्यापक अनुभव है, आप यहाँ पे रहे भी हैं दिल्ली में और पढ़ा भी रहे हैं इतने सालों से, तो ये जो दो सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं? दो सेंटर्स मुखर्जी नगर, करोल बाग। जी सर, मुखर्जी नगर और करोल बाग दोनों ही इम्पॉर्टेंट हब हैं। अगर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए UPSC के, तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेंटर्स हैं। विजन IAS की बात अगर की जाए तो विजन IAS दोनों सेंटर से ऑपरेट करता है। अब अगर हम मुखर्जी नगर को देखते हैं, तो जैसा इन्होंने बताया कि पीयर ग्रुप लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली पीयर ग्रुप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है। जैसे उन्होंने कहा, संगत से गुणनाथ है, संगत से गुजात है ना, तो डेफिनेटली मुखर्जी नगर आने वाले समय में भी एक इम्पॉर्टेंट हब के रूप में बना रहेगा, क्योंकि इको सिस्टम अप्रोच है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पास है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बच्चों का यहाँ रहना, कोचिंग सेंटर्स का पास में होना, ये सारे मुखर्जी नगर को इम्पोर्टेंट केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। सर, आपने अभी आंसर में ये बात बोली कि मुखर्जी नगर इस प्रिपरेशन का एक हब बना रहेगा, पर हम देखते हैं कि हालिया घटनाओं में मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसी खबरें आई और दिखती भी हैं कि यहाँ के जो रहने खाने पीने की जो भी सुविधाएँ उसमें बहुत सारी खामियाँ हैं, और ये घटना अत्यंत दुखद भी थी। ऐसे में सबसे पहला मेरा एक प्रश्न आपसे है सर, कि आखिर ये जो बातें फैल रही हैं कि मुखर्जी नगर से कोचिंग शिफ्ट हो रही हैं, कहीं और जाकर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसमें क्या आपका व्यू पॉइंट है? सबसे पहले तो गौरव, जो घटना हुई हाल में बड़ा ही दुखदायी और पीड़ादायक है। सभी लोग जो कोचिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं उस पर काफ़ी दुखी हुए, और उसके बाद और भी स्ट्रिक्ट, अब चाहे वो हाईकोर्ट का ऑर्डर हो या फिर जो MCG के नॉर्म्स हैं, और स्ट्रिक्टली लागू हो रहे हैं। सर, आपका इसी बात पे कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कि या ये कितना फिजिबल है यहाँ से कम्प्लीटली यहाँ से कहीं और चले जाना, जो कि यहाँ लगभग हम 50 साल से देख रहे हैं, लगभग हो गए होंगे 40-50 साल कि यहीं से ही स्टूडेंट तैयारी करता है। देखिए गौरव, इसमें जो बात है वो ये है कि जो करेंट डेवलपमेंट अप्रोच है दिल्ली का, वो मास्टर प्लान से डिसाइड होता है। जो करेंट में अभी दिल्ली में मास्टर प्लान है वो MPD 2021 का है, उसमें कोचिंग सेंटर्स के बारे में भी बात रखी गई है। कोचिंग सेंटर्स कैसे ऑपरेट करें उसको लेकर के डूज एंड डोनोट्स के काफ़ी अच्छे से व्याख्या की गई है। उसमें दो तीन पहलुओं के बारे में जो मुख्य बातें जिस पर MPD या मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली बात करता है, उसमें एक तो है कि स्पेस की बात करता है कि स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ स्पेस और एक बेहतर तरीके से स्पेस होना चाहिए। दूसरा, जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्लासेस होनी है उसकी सेफ्टी या स्ट्रक्चर सेफ्टी की बात करता है कि संरचना बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स की बात करता है। इन तीन चीज़ों के बारे में MPD बात करता है, और माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि MPD के 2021 के जो पहलू हैं उसके आयामों को देखते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ऑपरेट करना चाहिए। जैसे विजन IAS लगभग इन सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करता है, लेकिन विजन IAS जो कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहा है वो लगातार मुखर्जी नगर में अपनी सेवाएं पहले भी देता रहा है और आगे भी लगातार देता रहे। आपके बात से सर ये लग रहा है कि विजन IAS भी यहीं पे काम करेगा और अच्छी सर्विसेज देगा, तो मैं आपसे सर ये समझना चाहूँगा कि जो विजन IAS में ऑफलाइन सर्विसेज हैं सेंटर्स पे, वो किस प्रकार से हैं, और ये स्टूडेंट में ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा कि नहीं हम यहीं हैं और आपको कोई असुविधा नहीं होगी?
देखिए, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन जो है हमारा, उसके ऊपर हमारे स्ट्रक्चर्स बने हैं, मतलब क्लासरूम्स बने हुए हैं, और कोई भी बच्चा चाहे तो उसको विजिट कर सकता है, देख सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ सकता है। तो हम तो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ से, और हम जीटीबी नगर का जो मेट्रो स्टेशन है वो काफ़ी मेट्रो का सेफ्टी नॉर्म्स जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब रही बात बच्चों के विश्वास की, तो विजन आई एक लंबे समय से इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है, और हमने जो सर्विसेज लगभग कही हैं, वो कमिटमेंट जो हम करते हैं वो लगभग उसको डिलीवर करते हैं। तो बच्चों को स्वयं से भी आना चाहिए मेरे हिसाब से, आ करके वो सेंटर्स को विजिट करें, हमारे काउंसलर्स से मिलें, हमारे मेंटर्स से मिलें, और अपने प्रिपरेशन में जो भी बाधाएं चुनौतियां वो देख रहे हैं उन सारे पहलुओं पे चर्चा करें, उनको रिजॉल्व करें, और पूरे तन मन के साथ इस प्रिपरेशन को वो अपना आगे बढ़ाएं। मतलब सर, हम ये आप समझ सकते हैं कि इस बात को पूरी तरह से, मतलब स्टूडेंट को नहीं ऐसे सोचना चाहिए कि मुखर्जी नगर से सब कुछ बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुखर्जी नगर से बंद नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि जो कंप्लायंस है, जो स्ट्रक्चर्स, जो बिल्डिंग्स कंप्लायंस उसको फॉलो कर रही हैं, वो लगातार कार्य करती रहेंगी, उनको लेकर कोई इश्यूज नहीं है। तो विजन आईएएस वैसे स्ट्रक्चर कंप्लायंस इश्यूज को लगभग फॉलो करता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमको यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ओके सर। और गौरव, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोकेशन है आपका जीटीवी नगर मेट्रो का, तो उस लोकेशन से हर जगह की कनेक्टिविटी बड़ा आसान है। आप NDLS न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भी आते हैं, सीधे येलो लाइन से आप वहाँ पहुँच जाते हैं। यही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी होने के कारण आसपास जो स्टूडेंट के रहने का जो इकोसिस्टम बना है, मतलब आपको चाहे वो ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, सब लोग सर्वाइव कर जाते हैं। आपको मुखर्जी नगर में थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा दूर चले जाइए वजीराबाद, संत नगर, उसके थोड़ा और दूर जा सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि मेट्रो तक आने के लिए बस 10 रुपये लगते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट कंपेटिवली हर जगह से, अगर मैं भी यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, जितना ऑप्शंस स्टूडेंट को रहने के लिए मुखर्जी नगर में है मैंने कहीं नहीं देखा है। तो विजन का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देखेंगे, तो उसमें आपको जो एग्जिट गेट बना हुआ है मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के ऊपर कोई इंफ्रा बन रहा है तो उसमें रेगुलेशन बड़ा स्ट्रिक्ट होगा जी सर, और वो सारे चेक करके, सारे नॉर्म्स चेक करके प्रॉपर इंस्पेक्शन के साथ एक एक चीज़ बना हुआ है। जैसा कि सर अब तक की चर्चा से समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से हालिया जो घटनाएं हुई हैं वो दुखद हैं, और कहीं ना कहीं सिस्टम में जो कमियां हैं और जो भी मानदंड हैं उनको न पालन किए जाने से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उस पर ध्यान आकृष्ट कर रही हैं। फिर भी कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के होने से छात्रों का यहाँ आना और फिर प्रिपरेशन की ओर जाना, इसके कारण से मुखर्जी नगर एजुकेशन हब के रूप में तो बना ही रहेगा। फिर भी सर, इससे जुड़ा ही एक दूसरा क्वेश्चन है कि हम मान लेते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो दिल्ली नहीं आएंगे या नहीं आना चाहते हैं, वो सेल्फ स्टडी करेंगे अपने घर से या अपने होम टाउन से करेंगे, उनको अगर हम ध्यान में रखें तो विजन IAS कौन कौन सी ऑनलाइन सुविधाएँ प्रदान करता है, और वो स्टूडेंट्स कैसे इनका लाभ उठा सकते हैं? सबसे पहले गौरव, ये कि विजन आईएएस के काफ़ी रीजनल सेंटर्स भी हैं, अगर कोई बच्चे दिल्ली नहीं आना चाहते हैं तो उस रीजनल सेंटर पे जाके आराम से इनरोल करा सकते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट को कंफर्टेबल है कि घर से तैयारी करें, तो विजन आईएएस ऑनलाइन सुविधा देता है, जिसमें आपका पोर्टल बनेगा आपके नाम से, और उसमें जो लाइव क्लास चलता है, और मज़ेदार बात यह है कि लाइव क्लास आप अगर नहीं देख पाए और ऐसे भी 24 घंटे के अंदर उसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाता है, ये 2-3 साल तक आपके पास रहेगा, आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स जो फाउंडेशन कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। अब जो मैं मेंटर की बात कर रहा था, अब तो मेंटरशिप सुविधा कैसे वो गेन करेगा जब दिल्ली में नहीं है, तो विजन IAS उसके लिए अलग से मेंटर अलॉट करता है, और वो मेंटर्स उसका सेशन लेते हैं, वो मेंटर्स को निश्चित समय पर कॉल कर सकते हैं। वो जो टेस्ट लिखने की बात आती है तो घर पर टेस्ट लिख सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो रीजनल सेंटर पे जाके ऑफलाइन टेस्ट लिख सकते हैं आराम से। तो काफ़ी इसमें सुविधाएं हैं, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन भी आप आराम से तैयारी और आई थिंक मटेरियल के लेवल पे हम बात करें तो वो भी ओपन सोर्स में अवेलेबल है। बिल्कुल, जो मटेरियल है जितना, चाहे वो करंट अफेयर मैगजीन हो या Main 365, PT 365, वो विजन IAS के वेबसाइट पर आराम से अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है आपका कि
आप घर से पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे मटेरियल नहीं मिले, मतलब चॉइस है, आप सोशल मीडिया पे हैं या भी जो भी हमारे कंटेंट अवेलेबल हैं ओपन सोर्स में, उनका यूज कीजिए और लाभ उठाइए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू, हम अपेक्षा करते हैं कि आज का यह सेशन आपके लिए लाभकारी होगा और जो भी डाउट आपके हैं वो क्लियर हुए होंगे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि विजन आईएएस अभी भी मुखर्जी नगर में ऑपरेट हो रहा है और आगे भी इसी तरीके से आपको अच्छी सुविधाएं प्रदान करता रहेगा। इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।